आम आदमी पार्टी ने कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया है। आपके कार्यकर्ता लोगों का ऑक्सीजन लेवल जांच कर उन्हें जरूरी हिदायत दे रहे हैं। सिंगरौली में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांव और कस्बे में जाकर लोगों की ऑक्सीजन की मात्रा की जांच कर रहे हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल के नेतृत्व में आप जिलाध्यक्ष राजेश सोनी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने शहर एवं गाँव में घर घर जाकर ऑक्सीमीटर द्वारा लोगों के ऑक्सीजन की मात्रा की जाँच की और मास्क भी वितरण किया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल ने बताया कि पूरे सिंगरौली जिले में इस अभियान को चलाया जा रहा है। दूरी बना के रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि हम सबको अभी इससे बचना है, क्योंकि जो सिंगरौली जिले में आज इतनी संख्या हो गई है, इसलिए हम सबको सुरक्षित रहना है और एक दूसरे को बताकर जनता को जागरूक करना है, ताकि हम इस COVID-19 की बीमारी से लड़ सकें। और इसलिए हम लोग ने ये पूरा मुहिम चलाया है। आज ही हमारी ये शुरुआत हुई है। पहले से हमारी सब एक हर पोलिंग बूथ पे हम लोग एक ऑक्सीमीटर बना रहे हैं। ऑक्सीमीटर बनाकर ही वो अपने पूरे रोज जांच करेगा और अपने हर घर तक पहुंचेगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।